Hi everyone, welcome back to my channel Creative at Home. So, ये वीडियो देख के आप समझ गए होंगे. आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कैसे मैंने अपनी वाटर बॉटल में पुदीने का पौधा लगाया है. सो ये आप देख सकते हैं, प्लास्टिक की वाटर बॉटल है जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी छेद करके रखा हुआ है एक लोहे की एक पाइप से, जिसे मैंने गैस पे गरम करके और जला दिया. और बहुत इजीली आप कई होल बना सकते हो. मैंने बहुत पास पास में कई होल बनाए हुए हैं और फिर इसको ब्लैक पेंट से पेंट कर दिया सो दैट ये थोड़ा सा लुकिश हो जाए, क्योंकि जब ये ट्रांसपेरेंट रहता है तो उसके अंदर की मिट्टी दिखती है तो वो अच्छा नहीं लगता है. सो इसलिए मैंने इसको ब्लैक पेंट करके और सिंपल फ्लावर्स का एक डिज़ाइन दिया है. आप देख रहे हैं, ये सबसे इजी फ्लावर बनाने का तरीका है और जो कि मैं पहले भी कई पॉट्स में बना चुकी हूँ और इसमें भी मैं वही कर रही हूँ. और इसके बाद इसके अंदर मैंने मिट्टी डाल के नॉर्मल जहाँ पे आपके होल्स हैं उसमें पुदीना लगाना है. सो बहुत ही सुंदर बना सकते हो आप इसको अपने तरीके से, जैसे भी आप चाहें वैसे पेंट कर सकते हैं. और पेंट मैंने सिंपल जो ब्लैक पेंट लिया है वो मैंने एशियन पेंट का जो पेंट आता है ब्लैक वो लिया है, और जो कलर्स लिए हैं वो फेब्रिक्रिल के पेंट्स हैं जो कभी भी हटते नहीं हैं. पुदीना मेरे टेरेस पे ऑलरेडी मैंने एक पॉट में लगा रखा था, वहीं से मैंने काट के इनके अंदर डाल दिया है और मिट्टी डाल के सारे जितने भी होल्स थे उसके अंदर बस पुदीना मैंने लगाया. इसके बाद मुझे इसको टांगने के लिए चाहिए था. सो मैं मैक्रेम का काम करती हूँ, सो मैंने मैक्रेम के थ्रू ही इसको टांगा है. ये बहुत ही इजी नॉट्स हैं, आप देख सकते हैं. मैंने इसीलिए इसमें DIY करके आपको दिखाया है सो दैट आपके लिए इजी होगा ये नॉट्स बनाना. सिंपल राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट आपको नॉट्स लेके जानी है. इससे बहुत ही अच्छा ये एक टांगने का आप बना सकते हो. खुद से आप घर में ही इसे ट्राई कर सकते हैं. आजकल मैक्रेम का बहुत ट्रेंड भी है और मैंने अपने घर में बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं जो मैं इसके थ्रू बहुत ही सुंदर तरीके से अपने प्लांटर्स टांग पाती हूँ और अच्छे भी लगते हैं वो. सो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं. इसको बना के देख रहे हैं आप, इस तरीके से एक बहुत अच्छा सा एक लूप तैयार हो जाएगा और उस लूप को आप उसके अंदर गांठ लगा के उसके जो चार कॉर्नर्स मैंने लिए हैं, चार थ्रेड लिए हैं, इन चार थ्रेड्स को मैंने सिर्फ गांठ बांध के उसके अंदर लटकाया हुआ है. जैसा कि आपने स्टार्टिंग में मेरी वीडियो में देखा, वो इसी मैक्रेम के थ्रेड्स पे वो लटके हुए हैं. सो इस तरीके का लूप बना के आपको तैयार करना है और उसके बाद आप इसको बॉटल्स में गांठ लगा के बांध. ये एक बहुत ही अच्छा वे है. आप अपने जो थ्रो कर देते हैं हम लोग जो प्लास्टिक की बॉटल्स, उसके अंदर बहुत सुंदर तरीके से ये बना के आप अपने घर में लगा सकते हैं, जो कि एक बड़ा क्रिएटिव वे होता है और वो सबको अच्छा भी लगता है. सो मैंने, आप देख रहे हैं, मैंने पुदीना लगाया है और उसके बाद मैंने ये हैंग करने का बना रही हूँ. सो आप इसको पहले भी कर सकते हैं कि आप पहले हैंग करने का बना के उसके बाद मिट्टी डालेंगे तो भी पॉसिबल है. सो मैंने ये चीज़ बाद में की है और इसको करने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा ऐसी जगह रखा है जहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा ना मिले, नहीं तो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं ये बहुत जल्दी गर्म होती हैं और फिर इनको बहुत जल्दी ये सूखते भी हैं. सो ट्राई करें कि किसी थोड़ी सी ठंडी जगह पे रखें जहाँ धूप बहुत सामने से बहुत तेज़ धूप ना लग रही हो. पुदीना वैसे भी कहते हैं कि छाए में लगाना चाहिए तो वो ज़्यादा फैलता है, तो मैंने जो अपने छत पे लगाया हुआ है वो भी बहुत ऐसी जगह पे है जहाँ पे वो छुपा हुआ है, थोड़ा सा धूप बहुत तेज नहीं लगती है. इस तरीके से आप भी अपने घर में बनाएं और लगाएं. ये बहुत ही अच्छा तरीका है और
वेस्ट मटेरियल से अपना पॉट बना के उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं। पुदीना हुआ, धनिया हुआ, कुछ भी ऐसा जो आपको लगता है आप अपने माइंड से क्रिएट कर सकते हैं, और घर में इन चीज़ों को यूज़ करके आप एक अच्छा मिनी किचन गार्डन बना सकते हैं। सो ट्राई दिस थिंग। Spirit of my silence, I can hear you, but I'm afraid to be near you, and I don't know where to begin. And I don't. Spirit of my silence, I can hear you.